यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। सूबे के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा के HSSC के जातिगत सवाल पूछे जाने पर तेवर तीखे दिखे। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में HSSC के पेपर में जातिगत सवाल पूछे जाने पर रोष है। उन्होंने साथ ही कहा कि इस मामले में गहनता से जांच करवाई जा रही है, जो भी इस मामले में संलिप्त होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही रामबिलास शर्मा ने इनेलो बसपा गठबंधन को बेमानी करार देते हुए कहा और साथ ही कहा कि उनके जेल भरो आंदोलन को भी नौटंकी है। इसके साथ ही हुड्डा की रथ यात्रा पर भी रामबिलास शर्मा बोले और सीधा कांग्रेस से प्रश्न पूछ डाला कि किस हैसियत से हुड्डा ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं। ना ही हुड्डा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना ही विधायक दल के नेता। रामबिलास शर्मा ने इस यात्रा को भ्रांति यात्रा करार दिया और मंडी में बारिश में भीगे अनाज पर बोलते हुए रामबिलास शर्मा ने कहा कि जल्द ही नुकसान का आकलन किया जाएगा और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे हरियाणा में इस बात को लेकर के रोष है और ऐसी सब तरफ से अनेक संगठनों ने हमारे संज्ञान में ये बात दी है। हम इसकी गहराई से जांच करेंगे कि किस अधिकारी से ये भूल हुई। ये अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किसकी अनुमति से और किस आदमी ने ये प्रयोग किया है।